गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको डीएलएड सेमेस्टर 4 की यूनिट 4 के अंतर्गत वैद्युत का आवेश पढ़ाएंगे। लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे। अगर बात करें तो आवेश नहीं, पहले अगर बात करें कोई वस्तु जो होती है वो हमें पता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु में जो बीच का भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो हमारा नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। इस तरह जो पूरा हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अब लेकिन अगर कोई बाह्य बल लगाएं तो क्या होगा, सबसे पहले उससे इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होते हैं, जब बाह्य बल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं, निकल कर हो सकता है वो दूसरी वस्तु में चले जाएं, तो एक में कमी होगी तो एक में अधिकता हो जाएगी। अब यहाँ पे जिस परमाणु में क्या होता है, नाभिक की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके ऊपर धन आवेश होता है, जबकि जिसमें अधिकता हो जाती है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो सीधी बात यही है कि तो जब कमी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या कहा हमने अभी, धन आवेश होता है, जब उसके जिसके ऊपर आ जाता है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आई बात कि किसी वस्तु का आवेश क्या है, कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब क्या, घर्षण, या कोई भी बाह्य बल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम रगड़े ही, यहाँ पे ये हो सकता है कि जब किसी वस्तु को हम बाह्य बल देते हैं तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि किसी वस्तु का आवेश क्या है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। तो अभी मैंने ये आपको बताई कि जब कमी होती है तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश, और जब अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। अब तो वस्तु का आवेश कितना होगा, अब मान लीजिए उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n निकल गई हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की बात करें वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, उसको e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूला क्या हुआ, q = ne, क्योंकि आवेश को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का ऋण आवेश होता है। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताया, एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा। ये बात, अब अगर दो जो धन आवेश हैं वो क्या करेंगे, या जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो अभी आपको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, ठीक है। फिर क्या है, स्थित विद्युत प्रेरण क्या है, जब कोई एक ऐसा चालक है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन जब एक उसके पास में कोई एक आवेशित वस्तु ले आते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, वो चालक या वह वस्तु भी अपने आप ही क्या होती है, आवेशित हो जाती है। तो इस घटना को, विद्युत की इस घटना को क्या कहते हैं, स्थित विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं, स्थित विद्युत प्रेरण, मतलब किसी चालक का स्वतः प्रेरित हो जाना, स्वतः आवेशित हो जाना ही क्या कहलाए, स्थित विद्युत प्रेरण कहलाएगा। फिर इसके बाद आया क्या, आकाशीय विद्युत। जैसे देखा होगा जो जब बारिश होने वाली तो बादलों में गड़गड़ाहट होती है या बिजली चमकती है, तो उसे क्या कहते हैं, आकाशीय विद्युत। ये क्या होता है, जब दो आवेशित बादल होते हैं पास में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे संयोग करते हैं तो आपस में चमक उत्पन्न करते हैं, कुछ आवाज़ भी उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आकाशीय विद्युत कहते हैं। इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे अगर आप दो तारों को ले लीजिए और उसको कनेक्ट करके आपस में टच करते हैं तो स्पार्क करता है, मतलब वो थोड़ी चिंगारियां जैसे छोड़ता है, वैसे ही सेम वहाँ पर भी क्या होता है, जब दो बादल, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा आवेशित होते हैं, जिसके कारण ही जब उन्हें आपस में टच करते हैं तो वो बहुत तेज मतलब वो आपस में जब संयोग करते हैं तो क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, तो वो आकाशीय विद्युत है। और यही विद्युत अगर किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो क्या करता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है, या किसी पेड़ पर गिर जाए उसे नष्ट कर देता है। तो ये
इसके वजह से क्या इनको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एक छड़ होती है या धातु की एक छड़ होती है जिसको हम एक तार के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण जितना उस पर अगर बिजली गिरती है तो वो कहाँ चली जाती है, पृथ्वी में चली जाती है, जिसके कारण वो हमारी बिजली वो हमारा जो बिल्डिंग होती है वो सेफ़ हो जाती है। अब हमें कूलाम का नियम बताना है, लेकिन इसको थोड़ा हम रुक करके बताते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।